यस, स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग आती है तो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस हमेशा मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर लेते हैं, पर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ता है तो कई बार हम कन्फ्यूज होते हैं। तो इस टॉपिक का एक बेसिक कंसेप्ट याद रखिए कि जब भी डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन करें तो क्विकली कैसे सॉल्व करें। नंबर वन कि जो मूविंग पर्सन है वो सब आप पहले अपने आप को कंसिडर करें। दूसरा, डायरेक्शन हमेशा इसी ऑर्डर में लें, टॉप नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। कुछ बेसिक थ्योरी बताता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। कंप्लीट सेशन के बाद आप बहुत कंफर्टेबल होंगे, इवन टफ से टफ प्रॉब्लम्स भी क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन कि जब भी डायरेक्शन की बात हो, वर्टिकली अपवर्ड नॉर्थ, वर्टिकली डाउनवर्ड साउथ, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, एक बात। दूसरी बात, जैसे अगर आपसे बोला जाए नॉर्थ ईस्ट मीन्स लाइक दिस, अगर आपसे बोला जाए साउथ ईस्ट लाइक दिस, अगर आपसे बोला जाए साउथ वेस्ट लाइक दिस, अगर आपसे बोला जाए नॉर्थ वेस्ट तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। और धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपने सपोज ईस्ट की डायरेक्शन में 2 किलोमीटर रन किया, देन टूवर्ड टर्न लेफ्ट राइट, जो भी बोले आप अपने आप को उस पर्सन उस जगह पर रखिएगा और क्वेश्चन करिएगा सॉल्व। बहुत इजीली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और इन क्वेश्चंस के बाद आपका बिल्कुल इस टॉपिक पे 100% कमांड आने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है, घबराने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चंस मैं बताता चाहता हूं, राइट। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। राहुल स्टार्टेड साइकिलिंग टूवर्ड नॉर्थ। सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन आए ये एक डायग्राम हमेशा बनाते हुए चलिएगा, ये हमेशा बनाते हुए चलिएगा। अब देखिए क्या बोला है, राहुल स्टार्टेड साइकिलिंग टूवर्ड नॉर्थ। राहुल ने साइकिलिंग स्टार्ट की टूवर्ड नॉर्थ, राइट। ये राहुल है टूवर्ड नॉर्थ, और क्या बोला गया है, ये साइकिल डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, राइट। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर सपोज राहुल था, इसने टूवर्ड नॉर्थ अपनी साइकिल स्टार्ट की, ये किया स्टार्ट। आप देखिए क्वेश्चन को रीड करते चलिए, अपने आप आपको बनेगा। राहुल स्टार्टेड साइकिलिंग टूवर्ड नॉर्थ, ही साइकिल अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, देन टुक अ राइट टर्न। अब देखिए आप इस पोजिशन पे हैं और राइट टर्न लेना है, आपको अपने आप से इमेजिनेशन करना है, राइट टर्न, राइट, एंड साइकिल डिस्टेंस 3 किलोमीटर। आपने राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। अब आप इस तरह से सोचिएगा कि 3 किलोमीटर, देन ही टुक राइट टर्न एंड अगेन राइट टर्न करता है 1 किलोमीटर। आपने राइट की तरफ टर्न किया और 1 किलोमीटर, अब आप यहाँ पर हैं। अब क्या पूछा है सुनिए, राहुल इज फेसिंग विच डायरेक्शन नाउ, राहुल किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। राहुल यहाँ पर है, आप सोचिए कि अगर यहाँ पर है वो तो किसको देख रहा होगा, साउथ को, तो करेक्ट आंसर विल बी साउथ। यानी अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस जगह पर आके, आप हमेशा डायरेक्शन बना लीजिए। तो ये देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो राहुल की जो फेसिंग डायरेक्शन है वो क्या होगी, नॉर्थ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन, मनोज स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टूवर्ड नॉर्थ, राइट। मनोज का एक हाउस है, ये सपोज हाउस है, और इस हाउस से अब देखिए क्या बोला, मनोज स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टूवर्ड नॉर्थ। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए 2-3 टाइम, बिल्कुल टाइम लीजिए स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे कंसेप्ट बना के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, बनते जाएंगे। मनोज स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टूवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। देखिए आप नॉर्थ की तरफ गए 4 किलोमीटर, हमेशा एरो बना लीजिए जो डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। अब क्या बोला है, मनोज स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टूवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर ही टर्न लेफ्ट। अब ये लेफ्ट टर्न करता है, आप इस डायरेक्शन में तो लेफ्ट टर्न कर रहा, तो कितना, अब देखिए ही टर्न लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब देखिए क्या बोला है, मनोज स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टूवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर ही टर्न लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, सपोज एक्स किलोमीटर, यहां पर पर्टिकुलर डिस्टेंस, राइट, ही रीचेज सुनीता हाउस। यहां पर कोई सुनीता का हाउस है, राइट, यहां पर ये मनोज का हाउस है, ये सुनीता का हाउस है। अब क्या बोला है, सुनीता हाउस इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम मनोज हाउस। अब मनोज के हाउस से सुनीता का हाउस हमेशा डिस्टेंस लीस्ट लिया जाता है, ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, राइट, 5 किलोमीटर।
देन मनोज वॉक अ टोटल डिस्टेंस ऑफ, बिल्कुल सिंपल बेस लेवल क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये थोड़े से क्वेश्चंस में आप अलग अलग तरह के वैरायटीज देखेंगे जिससे कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखिए मनोज 4 किलोमीटर गया नॉर्थ की डायरेक्शन में, देन टर्न लेफ्ट एंड एक्स किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो सुनीता का घर आ जाता है, पर ओरिजिनली सुनीता और मनोज के घर का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। तो मनोज ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप देखिए कितना सिंपल पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये 4 है और ये 5 है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 3 यूनिट, यस और नो, पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप करेंगे तो 3 यूनिट। अच्छा आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बोला तो 4 + 3 = 7 किलोमीटर, यानी मनोज ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 7 किलोमीटर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखिए 3 क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को समझिएगा। 3 है रवि स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टूवर्ड साउथ, रवि स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टूवर्ड साउथ। आप एक छोटा सा ये समझिए कि ये रवि का घर है, राइट। अब रवि ने क्या किया, देखिए रवि स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ मूव किया, ये साउथ की तरफ मूव किया। आप अपने आप को उस पोजिशन में रखिए, रवि स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टूवर्ड साउथ, ही वॉक 100 मीटर, ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर देन डन लेफ्ट एंड वॉक 200 मीटर, ये लेफ्ट पे टर्न किया और 200 मीटर वॉक किया, आप इस डायरेक्शन में लेफ्ट गए 200 मीटर, टर्न राइट, अब इस पोजीशन में राइट पर टर्न किया एंड वॉक 500 मीटर, ये 500 मीटर वॉक किया 500 मीटर, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम हिज हाउस। आप समझिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि रवि ने अपने हाउस से साउथ की डायरेक्शन में 100 मीटर वॉक किया, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 200 मीटर एंड देन टर्न राइट 500 मीटर, तो ओरिजिनल पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है, मीन्स लॉजिकली आपको ये डिस्टेंस बताना है। अब आपको कहाँ मिस्टेक हो सकती है बताता हूँ, आप कई बार सोचोगे मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से कोई मतलब नहीं, सिंपल सा लॉजिक है कि ये आप ऐसा सोचिए कि अगर मैं इस ट्राइंगल को पूरा करूं तो ये 500 मीटर है, ये 100 मीटर है, यानी ये टोटल डिस्टेंस हुआ 600 मीटर और ये डिस्टेंस हुआ 200 मीटर, राइट, ये हुआ 200 मीटर, यानी कुछ इस ढंग का एक राइट ट्राइंगल आपके सामने जनरेट हो गया। बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज पाइथागोरस थ्योरम ही होती है, 600 मीटर ये 200 मीटर, तो आपको ये हाइपोटेन्यूज बताना है क्या हो जाएगा। देखिए आप इसको लिखिए 6 × 100, इसको लिखिए 2 × 100, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी बहुत क्लियर होना चाहिए। अब आप जब हाइपोटेन्यूज लिखते हैं तो आप लिखते हैं अंडर रूट 6² 100² प्लस 2² 100², यस और नो, यानी 100² आप चाहें तो बाहर भी लिख सकते थे, तो 100√6² 36 प्लस 4 40 में भी 4 किया जाएगा तो 200√10 इज आर राइट आंसर, यानी रवि के हाउस से इस पॉइंट की पोजीशन कितनी हुई 200√10, यानी आप अगर कंसेप्चुअली क्वेश्चंस को धीरे धीरे करेंगे हर तरह के क्वेश्चंस आपको बनेंगे, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखिए क्या है, जेड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड साउथ। अब कभी भी क्वेश्चन करिए, कभी भी टेंशन मत लीजिएगा, ये हमेशा बनाते हुए ही चलेगा और ये अगर आपके दिमाग में तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या बोला, देखिए जेड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड साउथ, सपोज जेड इस पॉइंट पर है, यहां से इसने साउथ की तरफ वॉक किया, राइट, साउथ की तरफ वॉक किया, जेड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड साउथ, ही वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, ये 15 मीटर का डिस्टेंस वॉक किया एंड देन टुक टू लेफ्ट एंड टर्न एंड वॉक डिस्टेंस 30 मीटर, यहां से लेफ्ट टर्न लिया, आप देखिए इस पोजिशन पर लेफ्ट टर्न लिया कितना 30 मीटर, देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक डिस्टेंस 15 मीटर, ये 15 मीटर वॉक किया, ये 15 मीटर वॉक किया, अगेन जेड इज फेसिंग विस डायरेक्शन, अब जेड यहां पर है, अब जेड किस डायरेक्शन में होगा बोलिए, यहां पर है तो ऑब्वियसली साउथ डायरेक्शन में होगा, राइट। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जेड ने स्टार्ट किया 15 मीटर साउथ, फिर देन उसके बाद क्या करा इसने, जेड ने देखिए ही 15 मीटर वॉक एंड टर्न लेफ्ट, देन टर्न लेफ्ट लिया 30 मीटर, देन टर्न राइट 15 मीटर, फाइनली जेड किस डायरेक्शन में देख रहा होगा तो ऑब्वियसली साउथ की डायरेक्शन में देख रहा होगा, क्लियर है, नोट कर लीजिए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
अगर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या देखिए, विनय मूव्स टूवर्ड साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर. विनय मूव टूवर्ड साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर. साउथ ईस्ट का मतलब होता है लाइक दिस, यानी आप इस पॉइंट पर हैं, ऐसे सोचिएगा, यहाँ पर खड़े हैं लाइक दिस. आप हमेशा ऐसा बना लीजिए डायरेक्शन. अब साउथ ईस्ट लाइक दिस, राइट. आप देखिए क्या बोला है, विनय मूव टूवर्ड साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर. ये 14 मीटर का डिस्टेंस ये हो गया. विनय मूव, अब मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ. विनय मूव टूवर्ड साउथ ईस्ट अ टेक्निक्स ऑफ 14 मीटर, देन ही मूव टूवर्ड वेस्ट. अब इस डायरेक्शन में आके कभी भी कंफ्यूजन हो कहाँ से कैसे जाना, तो ये एक राइट ट्राइंगल बना ऐसे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अब कहाँ जाना आपको, अब बोला है वेस्ट एंड ट्रेवल 28 मीटर. आपने वेस्ट की तरफ ट्रेवल किया कितना, 28 मीटर. इस पॉइंट पर आप आ गए, राइट, 28 मीटर फ्रॉम हियर एंड मूव टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट. अब इस डायरेक्शन में आके आपको ये देखिए, फिर देखना है कि नॉर्थ वेस्ट क्या होगा. तो नॉर्थ वेस्ट मतलब लाइक दिस, फिर नॉर्थ वेस्ट में कितना, हाँ, नॉर्थ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर. ये 14 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके. अब आप इस पॉइंट पर है, देखिए, ठीक है, अब आप इस पॉइंट पर है 14 मीटर के बाद. अब बोला है नॉर्थ वेस्ट डिस्टेंस 14 मीटर. फाइनली ही मूव अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर टूवर्ड ईस्ट. टूवर्ड ईस्ट मतलब लाइक दिस, कितना, 8 मीटर. ओनली 8 मीटर आपने मूव किया, राइट, 8 मीटर टूवर्ड मूव ईस्ट एंड कम टू अ हॉल्ट. यहाँ रुक गया आके. हाउ फॉर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ही, अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से इस कितना डिस्टेंस पर है. तो एक सिंपल लॉजिक है, ये डिस्टेंस अगर 28 है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी 28 होगा, क्योंकि ये 14 है, ये 14 एक पैरेललोग्राम बन रहा है. अब उसमें से आप 8 तो चल चुके हैं, अब यहाँ आके आप रुके हुए हैं, तो अब ये डिस्टेंस कितना बचा, सिंपल 20 मीटर. तो करेक्ट आंसर विल बी 20 मीटर. बिल्कुल सिंपल सा, आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं वहाँ पर, जिस पोजीशन पे खड़े हैं वहाँ पर इस तरह से आप बना लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और फिर उसके बाद आप मूव करना स्टार्ट करिए. आपसे टफ से टफ क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. नोट कर लीजिए. यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखिए क्या है. और कभी भी डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन करें ये दिमाग में फिगर रखते हुए चलें, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सनराइज, सनसेट, इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे. अब देखिए क्या है, जयप्रकाश स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड साउथ फ्रॉम द पॉइंट ए. सपोज ये पॉइंट है ए, यहाँ से साउथ की तरफ जयप्रकाश स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड साउथ फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक 20 मीटर. ये 20 मीटर वॉक किया और पॉइंट बी पर आप आ गए, राइट, ये पॉइंट बी पर आ गए. अब देखिए डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड साउथ फ्रॉम द पॉइंट ए, वॉक 20 मीटर एंड रीचेस द पॉइंट बी, ठीक है. अगेन ही टर्न लेफ्ट, अब देखिए इस डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न किया, अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर एंड रीच पॉइंट सी. ये वॉक किया 20 मीटर का और ये सी पॉइंट पर आप पहुंच गए. अपने आप को उस समय रख लीजिए जयप्रकाश को. सी, नाउ ही टर्न 45 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. अब याद रखिए 45 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन का मतलब लाइक दिस, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, राइट. Now he turned 45 degree anti-clockwise direction and walked 20 root 2 and this is a point D. अब इस समय आप यहाँ point D पर आ गए. What is the shortest distance between point A and D? तो A और D के बीच का minimum distance बताना है, यानी ये distance बताना है, right? Question बिल्कुल simple है. अगर मैं यहाँ से एक perpendicular drop कर दूँ तो देखिए ये 20 है तो ऑब्वियसली ये भी 20 मीटर होगा. अच्छा ये 20 है, अब आपको डायग्राम में जरूर ऐसा दिखेगा, हो सकता है आपको लगे, एक्चुअल में ऐसा समझ लीजिए और दूर ले लीजिए पॉइंट, ये 20 root 2 है. अब देखिए ये डिस्टेंस भी 20 है, ये भी 20 है, ये 20 होगा. अच्छा ये 20 root 2 है तो ये 20 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये भी 20 आएगा, बिकॉज 20 root 2 है, इसका मतलब 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 root 2. अब ये डिस्टेंस 20, ये भी डिस्टेंस 20, तो ओवरऑल डिस्टेंस बोलो 40.
अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो पॉसिबल ही नहीं कि मिस्टेक हो जाए। फिर सुनिए क्वेश्चन को, एक बार समझिए कि ए बी से जाता है 20 मीटर राइट, लेफ्ट टर्न लेके 20 मीटर, देन 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये 45 डिग्री कितना 20√2 मीटर गया। अब ए से डी का डिस्टेंस बताना। अब आपने क्या करा, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किया, ए को डी से ज्वाइन किया, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये एक राइट ट्रायंगल जनरेट होता है। ये 20 है, 20√2, तो ऑब्वियसली अगर इसको एक्स मान लोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो एक्स इक्वल टू 20√2 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो अपने आप ही ये 20 आ जाएगा राइट। अब ये 20 तो टोटल मिलके कितना डिस्टेंस हुआ 40 मीटर राइट।